सर शादी करके ले आए थे 2 दिन पहले, वो दलाल ले गया। उसके बाद में मेरे जयपुर चल गया था। फिर क्या नाम से इन गर्कों ने रोटी में खाना में पता नहीं क्या मिलाया क्या ना मिलाया, ये बेहोश हो गए सारे। मैं खाया तो मैं भी बेहोश हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो हम सो गए, फिर हमारे क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दुल्हन थी वो वो कहाँ, चल गई रात को ही, क्या लेके गई वो? वो मोबाइल ले गई दो तो पैरों। ये आज दिन में से करीब 1:30 बजे सूचना आई थी आगे कृष्णा ठाकरे जी के पास, कोई पटवा जाति के हैं, वो बेहोश हैं। तो वहां जाकर पता किया तो नंदू पटवा ने बताया कि हमने 3 दिन पहले अपने बच्चे की शादी की थी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में यहीं पर, और वो पुत्र वधू थी, वो रात को हमारे खाना खिलाया था, सब्जी खिलाई थी रोटी खिलाई थी। उसके बाद हम धीरे धीरे सारे बेहोश होते गए। हमारे को पता था कि भाई ये घूम तो रही है पर हम खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मम्मी बाहर बैठी थी, भैया ने सब्जी लाके दी थी फूल गोभी और आलू की, फिर उन भाभी जी ने काटा था, काट के रख दी और धो भी ली थी। फिर है ना वो बर्तन मांजी थी, फिर ऐसे मम्मी ने मना कर दिया, तू खाना मत बनाना क्योंकि वो रसम पूरी होगी ना तभी बनाना, जब तक मीठा नहीं बनेगा। वो बोली ठीक है। फिर मम्मी ने खाना बना लिया था, फिर गीत वाली आ गई थी, गीत गवा के फिर ऐसे बोली थी कि अपन एक साथ खाना खाएंगे, फिर हम खाना खा लिए।